हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आईएनडी मनी। आज हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फ्लेक्सी टर्म से फ्लेक्सिबल टर्म सबसे पहले दिमाग में आता है, और आपने शायद सुना भी होगा कि एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इससे आप अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आपको अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में भी एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं, जो एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का बहुत अच्छा तरीका है। ये फंड्स एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं, जो अपने एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करके हाई पोटेंशियल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म में सुपीरियर रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है। बट व्हाट एल्स कैन दे डू, लेट्स फाइंड आउट। अब जैसे कि नाम से पता चलता है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स आपको मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशंस में इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि जब मार्केट बुलिश हो, तब फंड मैनेजर लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा फंड्स एलोकेट कर सकता है, और जब मार्केट बेयरिश हो, तब मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में शिफ्ट कर सकता है। दीज फंड्स ऑल्सो हेल्प इन डाइवर्सिफिकेशन। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके एक डाइवर्सिफाइड फंड बना देते हैं, जिससे ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क कम हो जाता है। थर्डली, पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स लार्ज कैप या मिड कैप फंड से ज्यादा रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि ये अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब तक आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं। पर किसी कंक्लूजन पर आने से पहले इन फंड्स के डिफरेंट टाइप्स भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया में कई फंड हाउसेज हैं जो अलग अलग फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं। कुछ पॉपुलर नेम्स हैं, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड, SBI फ्लेक्सी कैप फंड अमंग अदर्स। इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से एक फंड चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट रेगुलर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। ये वो फंड्स हैं जिसमें इन्वेस्टर्स डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन या फी मिलती है, जिससे इन्वेस्टर्स को हायर कॉस्ट्स उठाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ डायरेक्ट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिसमें इन्वेस्टर्स सीधा सीधा फंड हाउस के साथ इन्वेस्ट करते हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के बिना। इस केस में इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट को देने वाले कमीशन या फी बचा लेते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये फंड्स वो इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है जो लार्ज कैप या मिड कैप फंड से ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं, लेकिन प्योर मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स के साथ जुड़े हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो 2 मिनट रुकिए और पहले ये जानिए कि आप कैसे इन फंड्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स को इवैल्यूएट करने के लिए इन्वेस्टर्स को बहुत सारे पैरामीटर्स का ध्यान देना चाहिए, जैसे फंड परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, एसेट एलोकेशन, पोर्टफोलियो कॉम्पोजिशन और फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले उस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, रिस्क लेवल और इन्वेस्टमेंट होराइजन भी कंसिडर करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, फंड परफॉर्मेंस। अब फंड की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को अलग अलग मार्केट साइकिल्स के थ्रू चेक करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज फंड मैनेजर। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस भी एसेंशियल फैक्टर है फंड की इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो। फंड का एक्सपेंस रेशियो दूसरे सिमिलर फंड्स के साथ कंपेयर करें, ताकि आप हाई फीस ना पे कर रहे हों। म्यूचुअल फंड की दुनिया में बहुत वेरिएशंस हैं, और इसलिए इन टाइप्स के बीच का डिफरेंस समझना भी इम्पॉर्टेंट है। अब आपने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में शायद सुना हो। इन फंड्स के टर्म से फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स सिमिलर लगते हैं, पर आर दे रियली द सेम? नॉट रियली। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स दोनों इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन दोनों में की डिफरेंस है,
इनके इन्वेस्टमेंट मैंडेट और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के पास अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट करने का फ्लेक्सिबल मैंडेट होता है, जबकि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कम से कम 25% एसेट इन्वेस्ट करना होता है। इस वजह से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स का रिस्क प्रोफाइल ज्यादा होता है और ये हायर रिटर्न्स ऑफर कर सकते हैं, जबकि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स बैलेंस्ड रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफर करते हैं। आखिर में इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से ही फंड चूज करना चाहिए। तो आज हमने डिटेल में डिस्कस किया ऑल अबाउट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स, हाउ टू इवैल्यूएट देम एंड अ लॉट मोर। हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी टॉपिक्स कवर किए हैं अपने IND लर्न के बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड कोर्स में। आपको उस कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक दैट कोर्स आउट। एंड इफ यू वांट टू लर्न मोर ऑफ सच फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, देन लाइक दिस वीडियो, टेल अस व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल वेयर वी सिंप्लीफाई फाइनेंस फॉर यू। सी यू इन द नेक्स्ट मंथ।